हम मौजूद हैं एक सिंगापुर की बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन के ऊपर जिसका नाम है मरीना बे सैंड्स। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है मरीना बे सैंड्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि आज सिंगापुर के नेशनल डे की रिहर्सल है। सिंगापुर का नेशनल डे होता है 9 अगस्त को और रिहर्सल उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। रिहर्सल देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत रश है, बहुत क्राउडेड है। ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है पानी, समंदर है और उसके पार ये हमारे पास मौजूद है मरीना बे सैंड्स। जी यहाँ पर मौजूद है मरीना बे सैंड। ये जो आपको टूम नज़र आ रहा है ये एप्पल का सेंटर है, इंथाई फ्यूचरिस्टिक इन लोगों ने बनाया है एप्पल का सेंटर। यहाँ पर भी अंदर जाके आप एप्पल प्रोडक्ट देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और ये है यहाँ का व्यू। बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मरलायन। ये है जी मरलायन। और ये देखिए क्राउड, देखिए कितने लोग जमा हैं। ये सब के सब नेशनल डे परेड की रिहर्सल देखने के लिए जमा हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक सब लोग ही लोग हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। लोग अपने अपने कैमरेज के साथ हर जगह पर मौजूद हैं। सब लोग तस्वीरें लेने में बिजी हैं। मंजर इंतहाई खूबसूरत है। ये एक इंतहाई खूबसूरत सा वॉकिंग ब्रिज है, मैं आपको दिखाता हूँ। और आपने सब अट्रैक्शंस को देखना है तो ये देखिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। इस ब्रिज के ऊपर वॉक करते हैं। ये वॉकिंग ब्रिज है, एक कोने से दूसरे कोने तक, और सारी अट्रैक्शंस को देखते हैं, इंजॉय करते हैं। इंतहाई खूबसूरत व्यू है। मौसम भी इस वक्त बहुत अच्छा है। शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं। ये सामने सारी सिंगापुर की बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, सीबीडी। प्यारा सा व्यू। दोबारा आपको दिखाते हैं मरलायन यहाँ से। ये सिंगापुर का आइकन है। इसके पीछे है फुलरटन होटल। तहद्दे निगाह हर जगह पे आपको नजर आ रहा है, लोगों का रश। सब के सब लोग ये देखने के लिए आए हैं नेशनल डे परेड की रिहर्सल। सिंगापुर में नेशनल डे परेड की रिहर्सल जो है बहुत बड़ा इवेंट है। और जब नेशनल डे की परेड होती है 9 तारीख को, तो उस वक्त तो जश्न का समा होता है। तो हम भी यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल डे की रिहर्सल देखने के लिए। अभी बहुत सारी आइटम्स इन लोगों ने की हैं। कुछ रंग फजा में बिखेरे हैं यहाँ की टीम ने, एयरफोर्स ने, और पैराशूट से पैराट्रूपर्स ने भी अभी जंप किया है और लैंड किया है फ्लोटिंग स्टेडियम के ऊपर। ये काफ़ी मुश्किल जंप होता है क्योंकि जो लैंड करने के लिए खुला ग्राउंड नहीं है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे पैराट्रूपर्स को लैंड करना होता है। मुश्किल काम है। और पिछले साल ये काम करते हुए एक पैराट्रूपर इंतहाई शदीद जख्मी भी हो गया था। ये गहमा गहमी इसी तरह जारी रहेगी। 9 अगस्त तक हर सैटरडे को ऑलमोस्ट यहाँ पर रिहर्सल होती है। और ये रिहर्सल देखने के लिए ये स्कूल के बच्चों का ट्रिप भी लेके जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको टिकट इशू होते हैं प्रॉपर जगह के ऊपर बैठ के ये रिहर्सल देखने के लिए स्टेडियम के अंदर। हम लोग यहाँ खुली जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हम ये सब देख सकते हैं। रिहर्सल इस एज़ गुड, ये उतनी अच्छी है रिहर्सल जैसी टिकट के साथ अंदर देखने के लिए मिलती है आपको। और लोगों का जो जज्बा है, जोश है, वो काबिले दीदी है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए जी, लोगों का झुंड का झुंड यहाँ पर बैठा हुआ है और सबके सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सबके सब पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये गहमा गहमी तो ऐसे ही चलती रहेगी जी नेशनल डे आने तक, 9 अगस्त तक। और हर हफ्ते को यहाँ पे ये जश्न लगता रहेगा। अभी ऊपर मुझे कुछ जहाज़ों के उड़ने की आवाज़ आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो जहाज़ दिखा सकूँ, और अगर यहाँ पे कुछ फायरवर्क्स होता है या ऐसा कुछ होता है तो वो मैं आपको दिखा के एंटरटेन कर सकूँ।
ये देखिए जी हेलीकॉप्टर जो हैं चिनोक हेलीकॉप्टर जो हैं ये सिंगापुर का फ्लैग लेके आ रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर है। आपको आवाज आ रही होगी हेलीकॉप्टर की, बहुत ज्यादा शोर है, लोगों का जोश और जज्बा दीदनी है इस वक्त। ये खूबसूरत मंजर है, ये बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर मौजूद है हेलीकॉप्टर इस वक्त। ये फायर दागे जा रहे हैं जो कश्ती के ऊपर जो है, ये जो तोप है वो लगी हुई है जो ये फायर कर रही है। इंतहाई ज़बरदस्त इंतहाई खूबसूरत मंजर है, लोग डर भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि आवाज़ जो है वो बहुत ऊंची है। वो ज़बरदस्त ये सब कश्ती से किए जा रहे हैं, बोट्स मौजूद हैं यहाँ पे, कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ। हाँ जी ये बोट्स हैं यहाँ से ये फायर किया जा रहा है। लोगों का जज्बा जो है इंतहाई अरूज पे है इस वक्त, बहुत गहमा गहमी है, बहुत हलचल है। जबरदस्त गोलाबारी हो रही है जी, कोने में आपको मरलायन भी नजर आ रहा है। हर फायर के साथ लोग कांप रहे हैं, ये गहमा गहमी ऐसे ही चलती रहेगी, हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पे ऐसे ही पार्टी होती रहेगी, पिकनिक होती रहेगी जब तक हमारा नेशनल डे नहीं आ जाता जो कि 9 अगस्त को है, उसके बाद ये सब मान पड़ जाएंगी रौनकें। लेकिन टूरिस्ट हर वक्त यहाँ पे मौजूद हो, सिंगापुर जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर जगह हर वक्त सिंगापुर में टूरिस्ट पाए जाते हैं। ये जगह नेशनल डे की परेड की रिहर्सल हो या ना हो हमेशा बिजी रहती है, हमेशा यहाँ पे ऐसी ही गेमा गेमी रहती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों ने अपने कैमरे निकाल रखे हैं और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हर जगह पे लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत रश है। तो जी मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा है सीबीडी का एरिया सिंगापुर का, ये इंतहाई खूबसूरत सा वाटर प्लेटफॉर्म बना हुआ है शहर के बीचों बीच में। मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा इसी तरह की अच्छी वीडियो सिंगापुर के बारे में, कनाडा के बारे में, दुबई के बारे में और बाकी सब डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ। तो देखते रहिए मेरा चैनल, मैं हूँ आमिर और मेरे चैनल का नाम है आमिर ट्रैवल्स। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।